नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पंजाब के मोहाली में पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर में देर रात रॉकेट से हमला हुआ। बता दें, पुलिस के मुताबिक यह अटैक रॉकेट से दूसरी मंजिल पर किया गया। बता दें, इसमें कोई घायल नहीं हुआ, बस बिल्डिंग के कांच टूटे हैं। सीएम भगवंत मान ने डीजीपी वीके भावरा से मामले की रिपोर्ट मांगी है। शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने गई टीम को रोकने पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भीड़ के हंगामे और विरोध की वजह से टीम को बिना अतिक्रमण हटाए लौटना पड़ा था। अभियान पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद हिंसा भड़क गई है। कई शहरों में सरकार के समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए हैं। इसमें रूलिंग पार्टी के सांसद अमर कीर्ति अथुकोला और इनके सिक्योरिटी गार्ड समेत 4 लोगों की मौत हुई है। भीड़ ने पूर्व मंत्री जॉनस्टन फर्नांडो और कुरुनेगला शहर में महिंद्रा राजपक्षे के घर में आग लगा दी। एक मेयर और 12 मंत्रियों के घर भी जला दिए गए। समुद्री चक्रवात असानी कमजोर पड़ रहा है। माना जा रहा है कि रास्ता बदलने की वजह से यह आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से नहीं टकराएगा। हालांकि तूफान के असर से ओडिशा और बंगाल में तेज बारिश हुई है। तूफान के बीच ओडिशा के 11 मछुआरे समुद्र में फंस गए हैं। करीब 8 घंटे में इन्हें रेस्क्यू किया गया। आसानी की वजह से आज आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद एक बार फिर चर्चा में है। ताजा विवाद मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज पूजा अर्चना की मांग को लेकर है। कोर्ट ने पूजा की मांग वाली याचिका के बाद मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी न्यूज नेटवर्क।